भोजपुर के आरा में आज देर शाम एक कपड़े की बड़ी मॉल में अचानक धू धू कर आग लग गई, जहां इस भीषण आग की लपटों में मॉल के अंदर रखे करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कपड़े की मॉल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। अगलगी की यह घटना शहर के बीच बाजार नगर थाना क्षेत्र के चित्रटोली रोड स्थित रामचंद्र काशीनाथ मॉल की है। वही आग लगने की घटना का जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मॉल के मालिक और स्थानीय लोगों ने इसकी तत्काल सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जहां सूचना मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच आग को काबू करने के प्रयास में जुटी गई। हालांकि आग को बुझाने और उस पर काबू करने के प्रयास में स्थानीय लोग ने भी काफी मदद की। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि उसे देख आसपास के दुकानदार काफी सहमे हुए थे, जबकि बीच बाजार आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर आरा सदर एसडीओ लाल ज्योतिनाथ सहदेव और एसडीपीओ चंद्र प्रकाश समेत भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच स्थिति को नियंत्रित करने में दिखाई दी। इधर रामचंद्र काशीनाथ मॉल के मालिक अश्विनी कुमार ने बताया कि दुकान हर रोज की तरह आज भी खुला था, तभी अचानक आग लग गई। इस आग की लपटों को बुझाने में एक व्यक्ति को चोट लगी है, जबकि आग की चपेट में आने से दुकान के अंदर रखे करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग से कितने का नुकसान हुआ है इसका फिलहाल आकलन नहीं किया गया है। आग पर काबू करने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम पूरे मामले की छानबीन करेगी। क्या हुआ अचानक, मतलब कि वहाँ से लड़के आए भागे हुए, तो क्या हुआ, तो अपनी दुकान से 2 सिलेंडर बुझाने के लिए मैं भी गया, लेकिन उसमें बुझ नहीं पाया। दमकल को उसी समय फोन कर दिया गया, दमकल 1 घंटा में आई है यहाँ, जब कुछ सब कुछ राख हो गया है। लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का माल नुकसान हुआ है और कम से कम जगह जख्मी है। अब प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, हम पड़ोसी हैं, सामने ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे दिया फोन किया, लेकिन नहीं, लोग नहीं, कोई सुनवाई हुआ, बस ये कहते हैं। जख्मी कोई नहीं हुआ, एक आदमी जख्मी हुआ था, उसको निकाल लिया गया, अभी कोई खबर नहीं है। मेरा नाम अरुण केसरी, प्रिंस फैशन मेरा दुकान है। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? लगभग 1.5 करोड़ रुपये। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर आती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाता। आपके कोई स्टाफ अभी तक मिसिंग अगर नहीं ना है? नहीं, एक आदमी कुछ डैमेज हुए गली के, पूरी दुकान आपकी ढह गई है? पूरा मकान ढह गया। कितने दिनों से था आपका ये दुकान? ये 28 साल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अश्विनी कुमार है। अभी क्या स्थिति है, कितनी गाड़ी अब तक आई गई है बुझाने के लिए? अभी हम लोग 6 बड़ी गाड़ी और 5 छोटी गाड़ी लगाए हुए हैं, और अब लगभग 90% हम लोग आग पे काबू पा लिए हैं। कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लग गया था, तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब लगभग 90% हम लोग उस पर काबू पा लिए। सर, आग का कारण क्या पता चला? अभी तो पता नहीं लगा है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि संभवतः शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, लेकिन वो जांच के बाद ही क्लियर होगा। दुकानदार का कहना है सर समय पर दमकल की गाड़ी आती तो इतना? नहीं, बिल्कुल समय पे आया है दमकल की गाड़ी, जब हम लोगों को खबर हुई है, और तत्काल उसके 10 से 15 मिनट के अंदर गाड़ियां पहुंची हैं। जो आरा में उपलब्ध गाड़ियां थी, 2 बड़ी और 1 छोटी गाड़ी, वो हम लोग तुरंत उपलब्ध कराए, और उसके बाद जगदीशपुर और पीरो से भी गाड़ी मंगाई। सब कुछ लोगों से मिसिंग होने की भी बात? नहीं नहीं, चोट लगने की बात आई थी, तो उसका ट्रीटमेंट कराया गया है, मिसिंग की अभी तक हमको जानकारी नहीं।